आप सब लोगों से व्यक्तिगत रूप से भी और कई बार सभा में मिलकर आपकी समस्याओं की जानकारी से मैं अवगत हुआ। मैं सीधा विषय पर चर्चा कर रहा हूँ, उससे जुड़ा हुआ है, उसकी समय की कमी है। तो जो समस्याएं आप सब लोगों के द्वारा बराबर रखी जाती रही है और जो समस्याएं रही हैं, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास हमारे स्तर से किया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज काउंसिल बनाने की बात आप सब लोगों की ओर से बराबर रही है। तो काउंसिल बनाने की जो प्रक्रिया है, जिस तरीके से भारत की सरकार की तरफ से काउंसिल का गठन किया गया है, इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं को समाहित किया गया है। उसी प्रकार से बिहार में भी काउंसिल के गठन का निर्देश मैंने विभाग के अधिकारियों को दिया हुआ है और उसमें फिजियोथेरेपी के साथ साथ अन्य सेवाओं में जो भी रहेंगे या स्पष्टता होनी चाहिए। नहीं तो आप सब लोगों का डिमांड ये रहा है कि हमारे लिए केवल एक अलग से काउंसिल, तो वैसा न करते हुए जैसा भारत की सरकार ने किया उसमें अन्य सेवाओं को भी साथ में जोड़ते हैं। काउंसिल बनने से पहले ये होता है कि हर चीज की मॉनिटरिंग होने लगती है, हर चीज का वाहक बन जाता है, आगेकर गाइडेंस तैयार हो जाता है, एक कोई एजेंसी हो जाती है जो ओवरऑल आपके सारे सिस्टम को देखती है, जिसका अभाव आज है और मैं महसूस करता हूँ कि वो व्यवस्थाएं जल्दी होंगी तो निश्चित रूप से वो व्यवस्था बेहतर होगा। और हमारे जो फिजियोथेरेपी में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां हैं, चिकित्सा सेवा में रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं और उनकी सेवा भी लोगों को बेहतर तरीके से मिल पाएगी और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा कि गवर्नमेंट सारे सिस्टम को मोबिलाइज करने के लिए कोई एजेंसी है, कोई काउंसिल है, कोई सारी चीजों को देख रही है, तो ये करने का निर्देश मैंने विभाग को दिया हुआ। दूसरी बात रही कि बीटीएससी के थ्रू फिजियोथेरेपिस्ट की नियुक्ति का मामला, तो मैं आज ही आपके मामले को देख रहा था कि बीटीएससी के द्वारा अभी उसमें अग्रेतर कार्रवाई नहीं हुई है। तो अभी अब बिहार तकनीकी सेवा आयोग के नए अध्यक्ष जी आ गए हैं, तो अब नए अध्यक्ष में बातचीत करके ही जरूर कहूंगा कि विभाग के द्वारा फिजियोथेरेपिस्टों की बहाली के संदर्भ में आपको जानकारी सूचना भेजी गई है, उस प्रक्रिया को आप आगे बढ़ाएं ताकि आगे आने वाले समय में हम नियुक्तियों को पूर्ण कर सकें और आप जो फिजियोथेरेपी की पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनके भविष्य के प्रति उनको एक विश्वास मिल सके कि हम आगे सरकार के काम में भी आ सकते हैं और सरकारी सेवा भी मुझे प्राप्त हो सकती है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर आए कि जो फिजियोथेरेपी की पढ़ाई और बेहतर तरीके से हो, इसके लिए भी हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और सरकारी स्तर पर तो अभी वो ही महाविद्यालय आपके कॉलेजेस चलते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ है, तो कुल मिलाकर ये जो प्राइवेट सेक्टर के हमारे फिजियोथेरेपी के कॉलेजेस वहाँ पे और बढ़िया तरीके से फिजियोथेरेपी की पढ़ाई हो, इसके लिए मॉनिटरिंग के लिए मैं डिपार्टमेंट से व्यवस्था करवा रहा हूँ। इसके अतिरिक्त जो फिजियोथेरेपी का गुण या विद्या या उसकी ताकत है, मैं जरूर इतना कहना चाहता हूँ कि फिजियोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति और एक ऐसी विद्या है जिसे आप सब लोगों ने भौतिक चिकित्सा नाम दिया, यह जरूर एक ऐसी विद्या है जो हमारे एमबीबीएस के डॉक्टर भी पढ़ के तो आते हैं और वो अपने ज्ञान के आधार पर लोगों को चिकित्सा सेवा करते हैं और चिकित्सा सेवा करके जो व्यवस्था मरीजों के लिए बढ़ानी होती है वो बढ़ाते हैं, लेकिन मरीज को पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट भी होता है और वहाँ चलते हैं चिकित्सक की आवश्यकता, चिकित्सक की जरूरत पूरी नहीं हो पाती। तो आप मैं कह सकता हूँ कि जो ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड हमारे बॉडी के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, उस औरतों से जुड़े हुए समस्याओं के निदान के चाबी आप ताला यदि एमबीबीएस के डॉक्टर हैं तो चाबी आप और बिना चाबी के ताला खोलता नहीं, तो डॉक्टर साहब रिजल्ट तक नहीं पहुंचा सकते हैं जब तक कि आपका सपोर्ट उनको नहीं मिले। तो यह बहुत अच्छी तरीके से चीजों को मैं समझता हूँ और जुड़े लोगों से
पदोपार भी लंबे समय से मेरा रहा है, इसलिए इस विद्या की बेहतरी के लिए और इस विद्या को कैसे भारत के अंदर और व्यवस्थित किया जाए उसका प्रयास निश्चित रूप से हम करेंगे। और आज अच्छा किया आप सब लोगों ने कि स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ राज्य के माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी को भी यहाँ बुलाया, क्योंकि आपने कुछ जो मांगे हैं आपको बहुत समझदार हो से केवल काम नहीं चलेगा या वित्त मंत्री से केवल काम नहीं चलेगा, तो दोनों को बुलाया है। और आपकी बात कुछ ऐसी है जिसमें हमको माननीय अपने उपमुख्यमंत्री जी का भी सहयोग चाहिए होगा, पदों का सृजन करने की बात आपने रखी है, तो अभी तो जिला सदर अस्पतालों और मंडल अस्पतालों तक ये व्यवस्था हम लोग देखी थी, लेकिन जैसे जैसे कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर से अधिक अस्पतालों तक पहुँचाए और उसके लिए डॉक्टर इसलिए जो आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करें, समस्याओं को कम करें, क्योंकि मैं ऐसा मान्यता नहीं हूँ कि आगे दूर दूंगा मैं आपका समस्या समाप्त कर दूंगा, आप दोनों आए और समाप्त हो जाए, समाप्त नहीं होगा, लेकिन उसको कम करते जाएंगे, समस्याओं को दूर करेंगे, व्यवस्थाओं को बेहतर करेंगे और आपकी शिक्षा भी बढ़िया हो और आपके द्वारा सेवा भी बढ़िया से किया जाए, समापन समारोह की शुभकामना देता हुआ अपनी वाणी को बढ़ा।